अस्सलामुअलैकुम। पॉपुलर न्यूज़ के साथ मैं हूँ राबिया रफीक। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ओस्ता मोहम्मद थाना सदर की हदूद जाफराबाद में मामूली तकरार पर फायरिंग, एक भाई जबल खान हलाक जबकि दूसरा भाई अब्दुल जबार जख्मी हो गया। जख्मी को सिविल अस्पताल ओस्ता मोहम्मद में तिबी इमदाद फराहम की जा रही है। पुलिस वाकई की तहकीकात में मसरूफ। DPO चनोट सैयद हुसैन हैदर की हदायत पर मंशियात फिरोशों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन जारी। मुख्तलिफ इलाकों से 9 किलो चर्स बरामद होने पर 3 मंशियात फिरोश गिरफ्तार कर लिए गए। मंशियात फिरोशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जेल मुंतकिल कर दिया गया। मंशियात से पाक मुआशरा अवलीन तरजीह है। लोगों में जहर घोलने वाले माशरती नासूर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। आरिफ वाला ख्वाजा सराओं के घर में डकैती और चोरी की वारदातों का मामला। ख्वाजा सराओं का एहतजाजी मुजाहरा टायर जलाकर बहावल नगर रोड को ब्लॉक कर दिया। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी, सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई, आवाम को परेशानी का सामना। मुकदमा दर्ज करने के बावजूद हमारे मुलजमान को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, ख्वाजा सराओं का मौकफ। पुलिस की ख्वाजा सराओं से मुजाकरात की कोशिश, DSP गुलाम मोहम्मद और पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुँच गयी। जंग यूनिवर्सिटी को सपोर्ट करें, ये आपके इलाके की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगी। मिनिस्टर हायर एजुकेशन हमायूं यासिर और वाइस चांसलर जंग यूनिवर्सिटी की मौलाना मुआविया अजीम के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जंग तरक्की की राह पर गामजन है। शोरकोट अहमदपुर से आल में हाईएस और ट्रैक्टर ट्रॉली में तसादुम के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक और 4 अफराद जख्मी। रेस्क्यू 112 शोरकोट के एहलकारों ने जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद देकर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में मुंतकिल कर दिया। न्यूज रूम से फिल वक्त इतना ही। मजीद जानने के लिए देखते रहिए पॉपुलर न्यूज़।